कलेक्टर ने मिनर्वा अस्पताल के नीचे संचालित पेट्रोल पंप पर की कार्यवाही। विगत दिन पहले मीडिया ने दिखाई थी लापरवाही पूर्वक तस्वीर, इसके बाद एक्शन में आया जिला प्रशासन। रीवा सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत जय स्तंभ के समीप मिनर्वा अस्पताल के ठीक नीचे पेट्रोल पंप संचालित किया जा रहा था, जिससे एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। जब इस पूरी खबर को मीडिया ने दिखाई तो कलेक्टर ने कार्यवाही करने की बात कही थी, जिसके बाद अब कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है और संचालक को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा। आइए सुनते हैं रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या जानकारी दी। एक खबर हमने दिखाई थी मिनर्वा अस्पताल की, जिसके नीचे पेट्रोल पंप संचालित था, जान का जोखिम था मरीजों के लिए। आपने कार्रवाई किया, कैसी कार्रवाई की, क्या कुछ कमियां पाई गई? मिनर्वा अस्पताल के बगल से जो पेट्रोल पंप था, उनके संचालकों को नोटिस इशू किया गया था और उन्होंने उसमें कंप्लायंस के लिए कुछ समय अवधि मांगी थी। वो उन्होंने अपना कंप्लायंस कर दिया है और अब अस्पताल बिना किसी दिक्कत के संचालित है। हम क्या कुछ कमियां थे पहले इनके एग्रीमेंट में, क्या कुछ कमियां पाई गई कि इस वजह से पंप भी संचालित था और अस्पताल भी संचालित किया है? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जब अनुमति के लिए NOC देता है तो उसमें कुछ प्रावधान रहते हैं कि पेट्रोल पंप कहाँ नहीं हो सकता है। कई बार पेट्रोल पंप की स्थापना पहले से रही होगी, हॉस्पिटल बाद में बना होगा या हॉस्पिटल पहले से रहा होगा, तो इस तरीके से जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नॉर्म्स होते हैं उनका पालन सभी को करना आवश्यक है। उसी के तारतम्य में कार्रवाई की गई।